Padayan dali. जितने भी मीनिंग जिस देश से परोपकार होगा वो संपूर्ण दुनिया में मैं तो ये मानता हूँ कोई अंतर
अगर सभी लोग वजरयान के सी अगर सभी लोग वजरयान के अगर सभी लोग वजरयान के नहीं गए तो क्या वजरयान की उपयोगिता तत्व है? अगर सभी लोग वजरयान के अगर सभी लोग वजरयान के अगर सभी लोग पात्र नहीं है वजरयान की उपयोगिता पर सवाल है। अगर सभी लोग वजरयान के पात्र नहीं है तो वजरयान की उपयोगिता पर सवाल नहीं उठता है। निश्चित रूप से ये बहुत सही है। देखिए अब उपयोगिता और अनुपयोगिता, तो दुनिया में ऐसा कोई भी एक मेडिसिन नहीं है जो सब प्रकार की बीमारियों को नष्ट करता हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोई भी ऐसा मेडिसिन नहीं है जो सब प्रकार के बीमारियों को नष्ट करता हो, इसलिए वजरयान भी जरूरी नहीं कि सभी प्राणी को अपने ओर आकर्षित करे, सभी को प्रभावित करे, सभी उसका अनुकरण करे, ऐसा संभव नहीं है। क्योंकि व्यक्ति का डिस्पोजिशन भिन्न भिन्न है, विचार भिन्न भिन्न है, संस्कार भिन्न भिन्न है, तो एक दवा सबके लिए तो संभव नहीं हो सकता। वो कैसे होगा? निश्चित रूप से नहीं होगा। जैसे कि उदाहरण के लिए देख, हम इसमें 100-150 लोग बैठे हैं, हम सब क्या है? आदमी, मनुष्य। लेकिन देखिए सब डिफरेंस अलग अलग, सब अलग अलग, आदमी का है लेकिन सब अलग अलग है ना। शारीरिक रूप से देखिए तो सब अलग अलग, तुम्हें पहचान नहीं, ये है वो है, ये अमुक है वो अमुक है। दुनिया में 6 अरब लोग सब भिन्न भिन्न है। उसी प्रकार बोलने का ट्यूनिंग भिन्न भिन्न, बोल तो सब बोलते हैं लेकिन मेरे बोलने का तरीका अलग है, मेरा रिदम अलग है, ट्यूनिंग अलग है, आपका अलग, आपका अलग, तुम्हें अलग अलग हो जाता है। शारीरिक रूप से सब अलग है, मनुष्य होने पर बोलने की पिछले सब बोलते हुए भी अलग अलग है, मेंटली सोच तो अलग कैसे नहीं होगा, निश्चित रूप से अलग अलग होगा। तो ये भी बहुत जरूरी है समझना। आज ना जो फैनाटिक है दुनिया में, तो फैनाटिस्ट है, कोई ये सोचता है कि जब तक ये धर्म जो है विषद धर्म नहीं बनता है तब तक पीस नहीं है, जब तक ये धर्म जो है विषद धर्म नहीं बनता है पीस नहीं, बहुत गलत सोच। ऐसा एक एंटीडोट दुनिया में कभी हो ही नहीं सकता। कोई एंटीडोट जैसे कि कोई भी जितना भी सर्जरी करो एक तरह नहीं हो सकेगा, हम लोग है ना, एक तरह बोलने वाला नहीं हो सकेगा, एक तरह सोचने वाला कभी नहीं हो सकता। जिस जबकि हमारा फाउंडर ही ऐसा नहीं किया, बुद्ध के समय ये सबको बुद्धिस्ट नहीं बना पाया, जीसस क्राइस्ट के समय में सबको क्रिश्चियन नहीं बना पाया, मोहम्मद के समय ये सबको जो है मुस्लिम नहीं बना पाया, उसी प्रकार हिंदू की दृष्टि में देखिए कृष्ण या राम या ये दो सबको नहीं कर पाए। तो आज के ये क्या कहते हैं वो क्या कहते हैं स्वयंभू ये धार्मिक गुरु या धार्मिक नेता या ये लोग करने से भी बड़ा गलत काम करते हैं, ऐसा हो नहीं सकता है ना। ये भी मन में रखिए, अलग अलग सोच अलग अलग है, अलग अलग के लिए अलग अलग चाहिए, एंटीडोट अलग अलग चाहिए। कोई ये फिर इसलिए ये पता भी ये नहीं कहूँगा कि वजरयान दर्शन सभी को प्रभावित करने वाला, सभी को आकर्षित करने वाला, सभी के लिए एंटीडोट के रूप में जाने वाला नहीं समझा जा सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसलिए वजरयान उनके लिए उपयोगी है जो उसकी पात्रता रखे, जो उसकी पात्रता रखे जिसके उसके लिए उपयोगी नहीं होगा। वैसे संपूर्ण मानव जाति के लिए उपयोगी होने वाला कोई है ही होते, इसलिए ऐसा है। चीज को कंट्रोल कैसे करना है, चीज को कंट्रोल करने की पद्धति क्या है? तो मैं तुमसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ वो आपका चीज वो मुझे दे दीजिए, बता दीजिए कैसे कंट्रोल नहीं है, जरा मैं उसको कंट्रोल कर दूँ। तो अगर ये कहें कि देखो ये देखो हमको परेशान करता है तो मैं जरा समझा दूँ उसको क्या धंधा बनना पड़ेगा, जाके क्या करना समझा के सुलह मुशावरा करना पड़ेगा तब कर लूँगा। तो ऐसा नहीं है तो फिर मैं कैसे कहूँ कि कंट्रोल कैसे करें, क्योंकि मैं अनकंट्रोल देख नहीं रहा हूँ जिसको भी मैं कंट्रोल करूँ। तो ऐसा है, हाँ चित्त जो किया बात सही है, ये भी बात सही है, ये
तो वो यही है, चित को कंट्रोल कैसे करें, कि चित डिस्ट्रैक्टिव होता है ना, तो कहाँ हो रहा है उसको देखिए, क्यों टेंशन में है, टेंशन कहाँ पर है वो देखिए, तो कहाँ मिलेगा, तो शर्म हो गया, शांत हो गया, कहाँ है द्वेष उत्पन्न हो रहा है, जेलसी उत्पन्न हो रहा है, कहाँ है उसको खोजिए ना, उसको सोर्स को जाइए ना, कहीं मिलता हो तो उसको पकड़िए, उसको समझाइए, है ना, वो नहीं मिलता है। चित्त को शांत करने का तरीका यह है, कहाँ से आना, देखते खोजते जाइए, डिसअपियर हो जाए, खोजते जाइए, डिसअपियर, वही एक तरीका है। चित्त को शांत, चित्त को कंट्रोल करने का तरीका, खोजते जाइए, खोजते जाइए, खोजते जाएगा, खोजते जाइए, खोजते जाएगा, खोजते, एक दिन आते हुए आप स्थित हो जाएंगे, प्रकाश वहाँ से प्रकट हो जाए, इसके आप जाके हमको एक ही कमरे में सोना है ना,
ये कि हमारे पास 15 कमरा है सोच के रात को उठ के एक घंटा कितने सो दो घंटा उठ के फिर उठ के तीन बजे उठ के सब उसका मैंने सोच कि हमारे पास 15 कमरा है तो क्या होगा आप पागल हो गए ना पागल है वो कितना नींद आएगा है कि नहीं हमारे पास ऐसा कोई दो दिन रूम सेट है ना उसे क्यों संतुष्ट नहीं हो रहे हमको क्यों बहुत बड़ा चाहिए ये क्या फायदा फिर ये नहीं यहाँ बना दिया तो औरंगाबाद में रहे एक दिन बना फिर बोल के एक तो बम्बई में आना जाना रहता है बम्बई में बनाना आप देखिए बम्बई में बनाना चाहिए लेकिन बम्बई में बनाने के लिए कितना समय लगेगा कितना खर्च आएगा है ना ऐसा ही तो बनेगा इतना खर्च किया इतना समय लगाया लेकिन उसे कितना रहोगे इतने दिन रहोगे क्योंकि ये साल में एक दिन रहोगे कुल मरते तक 20 साल के अंदर तो मर जाओगे तो कितने दिन रहे 10 दिन नहीं रहे मकान में या एक महीना भी नहीं रहे वो जो बॉम्बे में बना हुआ मकान है लेकिन उसके लिए आपने कितना खर्च किया कितना खून पसीना बहा कितना कष्ट उठाया कितना झूठ बोला कितना परेश किया कितना भ्रष्टाचार में लेते क्या फायदा चले जाने के है कि नहीं तो वो तो सोचना पड़ेगा ना तो हम वहाँ से वहाँ बनाने जाएंगे वहाँ से वहाँ बनाने क्या फायदा ये लाइफ बहुत शॉर्ट है ना जितना है ना समझ लो आपने क्या बोला ऐसे ही है ये जीता है ऐसे ही होना चित और मन में क्या अंतर है वैसे चित और मन में बुद्धिज्म में मिलता जुलता ही है एक है चित है मन है बुद्धि है ये एक है लेकिन जैसे कि सांख्या फिलोसॉफी है उसमें अलग अलग है चित जो है आत्मा है कॉन्शियसनेस है मन जो है प्रकृति का गुण है वो अलग है तो इसी प्रकार न्यायिक वेद में भी अलग अलग होता है चित मन का लेकिन बुद्धिज्म है चित भी वही है मन भी वही है बुद्धि भी वही है सब एक है सब एक लेकिन फंक्शन के आधार पर थोड़ा अलग है जैसे कि मैं प्लेयर भी हूँ मैं मॉन्क भी हूँ मैं टीचर भी हूँ मैं वो भी हूँ ये भी हूँ लेकिन जब मैं फंक्शन करता हूँ कभी टीचर का फंक्शन करता हूँ कभी प्लेयर का काम करता हूँ कभी कुछ काम करता हूँ उसी के अनुसार चित मन जो भी आप जिन जिन नाम पर्याय जो है फंक्शन के कारण अन्य भूमिका में यही है माता पिता का ऋण कैसे उतार सकते हैं बिल्कुल सेवा करते हैं माता पिता की सेवा कर माता पिता का ऋण जो है सेवा करना है सेवा बचपन के से लेकर के 15-20 साल तक आपको कैसे सेवा किया बहुत सेवा किया खुद नहीं खाया खुद नहीं किया खुद कष्ट नहीं झेला है ना खुद के ऊपर कुछ खप नहीं किया खुद काम किया अपने स्कूल भेजा कॉलेज भेजा कितना कष्ट उठाया उतना जब हम अधिकारी बनेंगे काम करेंगे उतना कष्ट माता पिता के लिए खुद को देना 15-20 साल खूब सेवा करो जैसे बचपन से माता पिता ने सेवा किया उसी प्रकार सेवा की जैसे हम बच्चे थे ना चल नहीं पा रहे थे ना उसमें हाथ पकड़ के हमको चल नहीं सके उसी प्रकार बूढ़ी माँ बाप अगर चल नहीं सक रहे तो उसको सहारा दो उसको उसको ले जाओ जैसे बचपन ने हमको किया ना उसी प्रकार माता पिता बुढ़ापे में उसकी सेवा करो जैसे इंद्रन को माता पिता ने सेवा किया उसी को वृद्ध और इंद्रन के उसकी उसी सेवा भाव से जैसे माता पिता के अंदर अपने बच्चे के प्रति था उसी प्रकार अपने अपना सेवा भाव के माता पिता के पास करते कोई सेवा क्या आपको कोई झुका नहीं उनके विश्व को प्रचुर कर है ना बुढ़ापा होता है तो थोड़ा ज़्यादा बोलने वाला होता है बच्चे की तरह हो जाता है ना वो तो बच्चा है ना नहीं जानता है इसलिए उसको उसको एडजस्ट करो सेवा करते हैं माता पिता का सेवा हाँ माता पिता का सेवा करते तो यही सोच रहे कि मैं अपने बच्चे को कितना प्यार कर रहा हूँ बस उतना ही मूल्य बचपन में मेरे माता पिता ने प्यार किया ये सोचना खत्म हो जाएगा ये सोचना उस समय ये मत बोलना मेरा मेरा बच्चा है फिर माता पिता को बोलना छोड़ नहीं दिया बस ये जैसे कि आपने अभी हमें वज्रयान अंतर और साधना के बारे में बताया उसे साधना का अनुकरण सीधे तरीके से इसी वे में कैसे करना चाहिए तो सरल तरीके से वजरयान का कैसे साधना करना चाहिए तो वैसे वजरयान का साधना तो सरल तरीके से ही हो ही जाएगा कैसे करना है जिसका भी आप साधना कर रहे हैं है ना तारा का साधना कर रहे हैं तारा को आमंत्रित कीजिए आपके सम्मुख है साक्षात तारा बैठी हुई है सोचिए अगर प्रेयर करने जानते हैं तो तारा का स्तुति गाइए अगर नहीं हो सकता है तो तारा आपके सामने है साक्षात बैठी है सोचिए मैं प्रोस्टेशन कर रही हूँ या कर रहा हूँ सोचिए मैं उनको ऑफरिंग कर रहा हूँ सोचिए और फिर वहाँ से जो है हमको प्रभाव प्रकट होकर के मैं शुद्ध हो रहा हूँ सोचिए है ना हमारे अंदर राग द्वेष मोह है जितने भी हैं वो जो है सब रिमूव हो रहे हैं निकल जा रहे हैं खत्म हो रहे हैं नष्ट हो रहा है सोचिए और हमारे अंदर जो बोधिसत्व का जो गुण है वो उत्पन्न हो रहा है सोचिए तो ऐसा करके उसका मंत्र को रिसाइट कीजिए है ना
पूरा पुरुषोत्तम से देख लीजिए है और कोई अस्वस्थ व्यक्ति किसी को व्यक्ति उसके ऊपर ऐसा अप्लाई कोई वजरयान का संक्षिप्त और सरल और आसान तरीका है कोई बोध ग्रंथ में वजरयान की महत्व और कितना जरूरी है वो पुस्तक और संसार का कितना महत्व है बोध ग्रंथ में वजरयान की महत्व और वजरयान बोध ग्रंथ में वजरयान का महत्व क्यों और कितना जरूरी है बोधिसत्व और संसार का कितना महत्व है। अच्छा ये ऐसा है बौद्ध धर्म में वजरयान का महत्व क्यों और कितना जरूरी है यही है कि जैसे मैंने कहा जब तक हम वजरयान का साधना नहीं करेंगे तब तक हम त्रिकाय प्राप्ति नहीं कर सकते। वजरयान का साधना के बिना है ना बुद्धत्व की प्राप्ति नहीं कर सकते। यद्यपि बोधिसत्व ज्ञान में कहा गया लेकिन कुछ असंख्य फल साधना करने पड़ते हैं लेकिन इसके बावजूद भी अंतिम बुद्धत्व की प्राप्ति करने के लिए तो वजरयान का शरण जाना ही पड़ता है। इसलिए वास्तव में अगर बुद्धत्व की प्राप्ति करनी हो या त्रिकायात्मक बोधि की प्राप्ति करनी हो तो वजरयान के बिना तो संभव नहीं है। नाम संगीत ये लिखा है क्रियान ने केवल सुनी है जुड़ा केवल शिक्षित है क्रियान का अंतिम गोल का फुलफिलमेंट जो है सिर्फ वजरयान ही कर सकता है उसके बिना नहीं हो सकता। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है बुद्ध की प्राप्ति के लिए तो बोधिसत्व और संसार का कितना महत्व है। तो संसार नहीं है तो फिर ना बोधिसत्व है संसार नहीं है तो ना बुद्ध है संसार नहीं है तो ना प्राणियों का हित हो सकता है संसार नहीं है तो सब किसी का कल्याण नहीं संसार तो नष्ट है जरूरी है। इसे हाँ इस दृष्टि से मैं भी एक शब्द में और बोल देने जा रहा हूँ वास्तव में प्राणी कितना महत्वपूर्ण है वो तो मैंने कहा था पहले एक तो सभी प्राणी हमारे माता है माता की सृष्टि से एक ये सोचना है। अब दूसरे दृष्टि से अगर सोचें तो हमारा सुख और शांति जो है संपूर्ण रूप से प्राणियों पर निर्भर है ये मानना पड़ेगा है। उदाहरण के लिए देखिए अगर औरंगाबाद में एक व्यक्ति होता जीवित रह सकता है सिर्फ एक ही आदमी होता जीवित रह सकता है बिल्कुल नहीं जीवित रह सकता है एक आदमी बिल्कुल नहीं रह सकता है। हम रह रहे हैं क्योंकि दूसरा है दूसरा व्यक्ति होने के कारण जो है हम जीवित हैं दूसरे के अस्तित्व से हमारा अस्तित्व है। अगर दूसरा नहीं होता ना हमारा अस्तित्व ही खत्म हो गया होता। सोचिए सुबह मैंने ब्रेकफास्ट किया था ब्रेकफास्ट में ब्रेड लिया किसने बनाया पता नहीं किसी किसान ने जो खेत में बोया कितना कष्ट है खून पसी रह गया कहीं जाके फैक्ट्री में बन के आके कहीं होटल में बन के आके मेरे पास है कितने लोगों का कॉन्ट्रीब्यूशन है मेरे ब्रेकफास्ट में है कि जो मैं कपड़ा पहना हूँ ये किसने बनाया मैंने तो नहीं बनाया मैंने तो पोषण खेत में नहीं बोया किसी दूसरे ने कष्ट उठा करके भो करके कपड़ा बनाया यहाँ पे आया मैं यूज कर रहा हूँ जितने भी चीजें यूज कर रहा हूँ दूसरे के द्वारा बनाया गया कि जिस बिल्डिंग में मैं रह रहा हूँ जिस हवा को मैं उपयोग कर रहा हूँ सब दूसरे का बना सब दूसरे का बना अगर दूसरे नहीं होते ना मेरा अस्तित्व भी नहीं था। इसलिए देखिए दूसरा कितना महत्वपूर्ण है दूसरे पर ध्यान देना कितना जरूरी है कि नहीं। तो हमारा भी कर्तव्य है ना हम क्या दें दूसरे को हम सुबह से लेकर शाम तक दूसरे का ही वस्तु दूसरे का ही किया गया यूज कर रहे हैं उपयोग कर रहे हैं उपयोग कर रहे हैं हमारा भी तो कंट्रीब्यूशन होना चाहिए दूसरे के लिए हम क्या दे रहे हैं हमको ये सोचना चाहिए। इसी अगर इस प्रकार का विचार हो वही बोल सकता और इसी को करते रहिए तो दलाई लामा जी भी बोलते हैं देखो दूसरे का हित करना तो अपना हित है दलाई लामा जी यही बोलते रहते हैं क्योंकि ना मैं एक आदमी का सेवा करूँ क्या होगा एक आदमी मुझे चाहेगा मैं दो आदमी के बारे में सोचूँ दो आदमी मेरे पसंद के होंगे मैं अगर तीन आदमी के बारे में सोचूंगा तीन आदमी मेरे को पसंद करने लगेगा। अगर मैं एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सोचता हूँ तो डिस्ट्रिक्ट के लोग मुझे पसंद करेंगे अगर मैं वहाँ से बढ़ करके स्टेट लेवल का सोचूँ उसके विकास के बारे में सोचूँ स्टेट के लोग मुझे पसंद करेंगे। अगर मैं आगे अगर अपना विचार को विस्तार करके राष्ट्रीय लेवल की बात करूँ तो राष्ट्र का नेता मीन राष्ट्रीय सतह पर मैं सम्मानित हूँगा लोग मुझे चाहेंगे है कि नहीं। उसी प्रकार मैं आगे बढ़ करके अंतर्राष्ट्रीय सतह पर विचार करता हूँ अंतर्राष्ट्रीय सतह पर सुख के बारे में मैं सोचता हूँ तो अंतर्राष्ट्रीय सतह के लोग मुझे मान्यता देंगे अगर लोग मान्यता मेरे काम तो संपन्न हो ही जाएगा मेरे काम तो सब उसी में निकल जाएगा लेकिन हम ये नहीं सोचते हम सोचते हैं कि हमारे काम होंगे हम स्वाचालित होते इसलिए सफल होते ही हैं हम दूसरे के बारे में अगर सोचें ना हमारा काम तो सब वहीं से निकल जाएगा। ये तो प्रति के संतुलन का फिलोसफी है बोधिसत्वों का तो यही कॉन्सेप्ट है ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे का सोचें तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पास में तो ये हमको अभ्यास करना चाहिए। इसलिए अपराधी नहीं है कैसे होगा बोधिसत्व हो गए नहीं बोधिसत्वों का
बोधिसत्व का आचरण संभव ही नहीं। क्यों? दान दान पारामिता क्या करना है? दान पारामिता लेने वाला नहीं हो, कैसे करना है? दान पारामिता लेने वाला नहीं है, प्राणी शील प्राणी प्राणी चाहिए ना, दान शील सब साधना के लिए तो प्राणी चाहिए, प्राणी के बिना तो होगा ही, इसलिए प्राणी चिता महत्वपूर्ण है, प्राणी तो हमारे सब गुरु है, ये सोचना चाहिए। ये अब लास्ट है व्यक्ति का चेतना का शक्ति को समझने के लिए, जैसे कि मैंने शुरू में ही कहा था, जब तक हम इलेक्ट्रिक एलिगेंस के बारे में नहीं जानेंगे, वॉक का कोई कुछ नहीं कर सकता है, उसी प्रकार जो भी चीज से संबंधित शक्ति का हम अगर उपयोग करने चाहें, सबसे पहले चित्त को समझना होगा। चित्त को समझने का तरीका जो है साधना ही है, एकाग्र होना ही है, एकाग्र के अतिरिक्त चित्त को समझने का कोई दूसरा तरीका नहीं है, इसलिए साधना तो जरूरी है, कंसंट्रेशन तो जरूरी है, कंसंट्रेशन के लिए शील जरूरी है ना, और कंसंट्रेशन के लिए प्रज्ञा, तो इसलिए हमको शील प्रज्ञा और समाधि तीनों का वो करना चाहिए, आचरण करना चाहिए, अनुकरण करना चाहिए, तभी हम जो है चित्त की शक्ति को पहचान सकेंगे और फिर उस पर।